और चार पहिया वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का लगातार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब तक आरटीओ ने ऐसा करने वाले करीब 500 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 3-3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। लाइसेंस सस्पेंड होने की अवधि के दौरान यदि ऐसे लोग गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो उनके लाइसेंस रद्द करने की तैयारी की जा रही है। शहर के अधिकांश ट्रैफिक सिग्नलों पर RLVD कैमरे लगा दिए गए हैं। कैमरों की निगरानी के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाले, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले तथा निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने सहित अन्य नियमों को तोड़ने वाले चालकों के खिलाफ पुलिस और आरटीओ विभाग ने कार्रवाई करने का फैसला किया है। पुलिस विभाग भी लगातार नियमों की अनदेखी करने वालों की सूची परिवहन विभाग को भेज रहा है। देखिए, जो लगातार अपराध करते, जैसे RLBD सिस्टम की बात करें तो हम लोगों ने जो RLBD सिस्टम में लगभग 3000 ऐसे वायलेटर हैं जिनने 6 या 6 से ज़्यादा वायलेशन किए, उनको हम लोगों ने नोटिस भी भेजे और उनके सभी के लाइसेंस निरस्त करने के लिए हमने RTO को भेज दिए हैं और उसमें से करीबन 456 लाइसेंस अभी निरस्त होके हमारे पास आ भी गए हैं, जिनकी हम चेकिंग करा रहे हैं। सूची और खुद के डाटा के आधार पर RTO लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने पिछले करीब 4 महीने में 28 लोगों के लाइसेंस रद्द भी किए हैं।